इस वक्त हम हैं जींद की जुलाना विधानसभा क्षेत्र में। विनेश फोगाट यहां से चुनाव मैदान में उतरी हैं और ये विनेश फोगाट जी की अपनी ससुराल का गांव है बख्ताखेड़ा। और आप देख रहे होंगे यहां बड़ी तादाद में महिलाएं पीने का पानी लेने के लिए रोज गांव से, और यहां एक पाइपलाइन आ रही है ट्यूबवेल से, पीने का पानी भी इस गांव की लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। रोज महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे। आप देखोगे तो एक तरह से मरमार की स्थिति है। तो क्या नाम है ताई? संतोष। कब से ऐसी स्थिति आप लोगों की है? मारी तो कई साल हो गए, कदे पल्ला भी को नहीं था, पीने का पानी तो कदे इतना नहीं। मतलब जब से ससुराल में आए पानी ढोना पड़ रहा। पानी पीने के पहले तो नहान का पानी भी नहीं था, पीने का ना वो तो वो सप्लाई हो रहा है, डिग्गी बन गई रही, पीने का पानी तो बीबी को नहीं। तो पानी की टंकी नहीं बनी गांव में? डगी है वो पानी बढ़िया नहीं है, स्वस्थ पानी नहीं है, पीने के लिए अच्छा नहीं है। यो खेत में तो पाइप लाइन दब क्या रही है, अरे ये खेत मत चला में इसे मत लेके जा। या अगर हाँ जिसका आरो लगा रही उसका सुविधा है, वो आरो का भी नू ला ले बढ़िया तो कौन हों। अच्छा, जैसा चुनाव आ रहा तो ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? मुद्दा तो है ही, हमारे गांव का खुद विधायक बन जाएगा जब तो पानी आवेगा। है रुख है गांव में लोगों का? गांव का रुख तो बढ़िया है, विनेश तरफ के लिए है। मुकाबला नहीं मान रहे आप लोग किसी से? ना, विनेश जीतेगी गांव में, तो भी जीतेगी, बस तो भी जीतेगी। इस तो अच्छी के बात होगी जो गांव का विधायक आ जाएगा। है हमारा गांव में तो सुखे होगा, किसी चीज का तो फायदा होगा। अच्छा, जैसा ओलंपिक में मेडल लाने से चूक गई विनेश फोगाट, जो कुछ हुआ आप सब सारी दुनिया के सामने है, तो गांव के लोगों को मलाल रहा उस बात? इस बात का तो है एक, यो तो सुनू लाले सारा भारत का ही है, एक तो गोल्ड मेडल और तो या तो भारत की शोभा थी, एक लगाओ गांव की के थी। कल तो बोल रहे हो वो चुकी नहीं है, ये आपने तो देखा होगा संजीश है ये सरकार की, अगर वो चुकी होती तो दो राउंड खेले उन्होंने तो वो हारती, लेकिन पहले भी तो राउंड हुए सारा काम होने के बाद में खेल लेने लगी होगी, लेकिन ये तो सरकार की सब दिख रहा है भाई साहब, जाती है सारा सर। जैसा चुनाव होने वाला है दोस्त, तो एक तरफ हम उनके साथ में है, ये जुलाना हल्के की पूरे की जिम्मेवारी है, देश की बेटी है वो हमारी, ये नहीं है कि मोदी की तरह झूठे वादे देंगे देश बचाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं है। उन नारे देने से क्या हो रहा है, अगर सरकारी स्कूल में है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में टैब है, अगर पढ़ाई उनसे करवानी है तो गवर्नमेंट टीचर को क्यों दे रहे हैं इतने पैसा बताओ, वेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसान है, किसान मरता जा रहा है दिन भर, इतने बड़े हैं जो बिजनेसमैन है उनका करोड़ों का कर्जा माफ हो रहा है, लेकिन किसानों का क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ, एक आदमी का तो इतने करोड़ों का हो रहा है, किसानों का कितनों का हो सके उन रुपया में ये बताओ। आप ये बताओ बीजेपी ने ये अच्छा किया वो बता दो, आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, आम आदमी जाओ हमारे बरगा कागज लेकर चला गया, बोल रहे हैं साइट नहीं चल रही है, नहीं चल रहा, कुआड़ मार दे, जो दलाल हुआ उनका काम भी तो हो जाए, ये तो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हम आम आदमी वही पीछे है वही है, ये आपने दिख रहे हालचाल। हाँ, तो आपके गांव की बहू चुनाव मैदान में है विनेश फोगाट, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करा उन्होंने, तो अब चुनाव मैदान में है, आप लोगों के मन में क्या है उन्हें लेकर? हमारे मन में ठीक ठाक रहे, काम करवा दो हमारा वैसे गरीब आदमी का, अरे की ऐसी मिस्सा मिटा दो हमारी पानी की बस, या सुन और के काम है। आई विनेश आप लोगों तक? हाँ आई थी, घर पर आई थी। कहा आपने? हाँ कहा। क्या भरोसा मिला? क्या भरोसा मिला, देखो भी क्या करेगी बनेगी जब, है नहीं जी? हाँ देखो भी क्या करेगी। गांव का रुख क्या लग रहा है, पूरे गांव में भी किस तरह है लोग सारे ऐसे कर? बहन जी रुक जाओ, आप भी रुक जाओ। और क्या करा जी, मर तो ऐसे मिस्सा भी मामला था पानी, और तो पानी आ गया यू ऐसे मिस्सा पीन के की बाजा बेचारे यहीं भी चलावा अगला तेल फूक है, हैं यू दे रहा पान 8-9 साल हो गए हैं इसकी समझ। अपने पास से कर रही? हाँ अपने पास से तो कर रहा, यू किसी के साथ फोन कर रहा? हाँ यू तो हमने मुँह दे रहा पानी, कई साल हो गए प्यादा ने, 7-8 साल हो गए, इसे पता यू अपने टेम पर इस टेम बांध रहा क्या भाई 4 बजे 5 बजे और यो ठीक है जी बन जाएगी तो हम तो अच्छा मन से ले तो हो जाएगी। गांव में विधायक आओगी? आवेगी आवेगी, इसे खाली सुविधा तक की दौड़ है, आगे भी सोच है कुछ? कोई सोच नहीं है, अपन बन जाएगी, आप तो अच्छा बोलो सुथरा काम करेगी तो बढ़िया, यही सोच है। बहन जी क्या नाम है? गीता।
तो रोज की यही कसरत आपकी? हाँ जी, यही कसरत। गांव की बहू अगर विधायक बन रही, नहीं बन रही? विधायक है ना जी, कौन बन रही? विनेश फोगाट चुनाव जीतेगी? नहीं, के बेरा जी, के बेरा। हाँ, क्या पता जी कौन जीतता है। आप लोग रुक क्या है? हम तो जी मोदी की तरफ था। मोदी की तरफ था? हाँ, हम तो मोदी की तरफ था जी। मोदी ने सब कुछ कराया है जी, सब कुछ कराया है जी मोदी ने, तो गरीबों के लिए भी है सब कुछ, इससे न कराया जी। बहन जी, भर गया आपका यहाँ? सुनो, अच्छा होगा, आप भी तो बता दो कुछ। पापा तो मन्ना को नहीं, इतना ये बता देगी यारी, बड़ी बड़ी लुगाई बता। आप छोटी हो अभी? ताई, क्या माहौल है गांव में? यू माहौल है, देख ले तो कम से काहरी लुगाई है। पानी काम तो बूटे हो गया, कदे सुखा नहीं हुआ, पानी का नहीं हुआ, केड़ा कड़ा कड़ा तो हुआ है। अब क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? अब भाई देखो भी तुम कि मैं कर दोगे तो सब जाता रहे गुण गावांगे। हाँ बेटा। नहीं, विनेश फोगाट आपके गांव की बहू है, चुनाव लड़ रही हैं, तो उम्मीद है उनसे? भाई सर वोट भी जाएंगे जी, जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं, मेरा काम किया तो जी। हाँ, बनावांगे। किस समाज से होता है? तुम्हारा कथा तो गांव के हिसाब से दलित वोट भी जा रही है विनेश फोगाट की तरफ? भाई सारे काम है जी, और हूँ अगली की किस्मत से जी, किस्मत से सब तो भाई, तो भाई जोर से नहीं। बहन जी एक मिनट का समय दे दो, अरे कुछ तो बोल दो आप, चलो कुछ और। ताई जी सुनो, आप तो सुन लो, क्या लग रहा था ये माहौल क्या है गांव में चुनाव को लेके? ये तो रोज की मुसीबत है ही आपके साथ। हमारा तो रोज का माहौल अच्छा है, हमारी तो बहू है, हमारी तो बहू है, अपनी बहू की नहीं वोट देंगे तो और किसकी देंगे है? हम तो भाई दिनेश कह गए, दिनेश कह गए। हाँ, गांव की बहू होने की वजह से या कांग्रेस की कैंडिडेट है इस वजह से? कांग्रेस की उसते भी हाँ, और कांग्रेस की उसते भी हाँ, और हमारी बहू की उसते भी हाँ, दोनों भाई खुश थे। और तो रोज का कष्ट विनेश फोगाट की ससुराल की महिलाओं को झेलना पड़ता है, आप देखते हैं भाई, यहाँ लंबी लाइन आप देख रहे होंगे, पानी लेकर महिलाएं अपने अपने घरों की तरफ को जा रहे हैं, पीने के पानी की विशेषकर दिक्कत है जी। क्या कह रहे हो? कह रही हूँ, अरे कोई नहीं आता है फिर, ठीक ये देखो हो बड़ी की पात सता, हमने कोई हमने नहीं फेरा, कौन होता मैं है ना? अगर विनेश फोगाट विधायक बन गए तो लोग उलाने आपको देख रहे हैं क्या ना भाई, बक्ता खेड़ा वाले सुनते नहीं? हमने तो सारे देख लिया, कुकाट तो ही ब्याह होगी है, ठीक से भाई मारा पानी पुता दे तारा भला होगा, दोसा बनेगा उसे का वाय कुकाट रोए थाम का कोसे हो, ठीक से आपके गांव की बहू चुनाव लड़ रही तो सपोर्ट कर रहा गाँव, उन्हें वोट देगा भाई? सारे काम को होंगे सपोर्ट भी देवाएंगे, मारा बहू लड़ रही है तो हम देवाएंगे, देवाएंगे क्यों नहीं है, ठीक से बढ़िया जमा बहू सोलह अन्या जब ये तो रोशन हो आई देश में है तो फिर ठीक से और भी दे देगा और तम दे दे सर यो बहू तो देश रोशन करे है जी। तो फिर जी भी सुतरा काम करेगी जी। ये जो का बरस होलिए इसके कुछ भी नहीं करे है, बुढ़ा की पलसन बधाऊँ थो फलान बधाऊँ हूँ जब तो बधाए दे भाई, बने पास कोई नहीं बधाता के बनाओ है, कोई नहीं आप अपना घर कलाओगे बेटा थप्पा, ठीक से। बहन जी वजन उठा रखा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बहन जी, आपकी भाई दुरानी होगी आज, जेठानी होगी विनेश फोगाट? अच्छा सॉरी, चलो तो ये माहौल है बक्ताखेड़ा का, विनेश फोगाट की अपनी ससुराल के गांव का, और गांव की महिलाएं रोज ये मुसीबत झेलने के लिए मजबूर है, पीने का पानी लेने के लिए उन्हें गांव से दूर इस ट्यूबवेल पर आना पड़ता है, और गांव की महिलाओं की तो सबसे बड़ी मांग यही है कि इस समस्या से उन्हें छुटकारा मिले,
विनेश फोगाट का अपना गांव है और ज़्यादातर महिलाओं ने कहा कि विनेश फोगाट को ही, चूँकि गाँव की बहू है, वे सपोर्ट करेंगी। हालांकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर भी कुछ महिलाओं पर देखने के लिए मिला। अब गाँव का रुख क्या रहेगा ये तो 5 तारीख को जब ईवीएम के बटन दबेंगे तो ही पता चलेगा।